गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है बाजरे की खिचड़ी बनाना, वो भी बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो आइए बनाते हैं हम चूल्हे पर बाजरे की खिचड़ी। इसके लिए हमने ये सामान लिया है, एक कटोरी बाजरा लिया है हमने और इसको अच्छे से कूटकर हमने धो लिया है। और ये हमने आधी कटोरी चने की दाल ली है, इसको हमने एक घंटे के लिए भिगो दिया था और इसका पानी निकाल लिया है। आधी कटोरी हमने मूंग छिलका लिया है, इसको भी हमने धो लिया है। और ये हमने डब्बी में हींग ली है। 5 से 6 हमने हरी मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा, 4 हमने लहसुन की कलियां ली है। ये लहसुन मोटा है, ये कम से कम 4 से 5 हमने लहसुन की कलियां ली है। तो आइए बनाते हैं हम देसी स्टाइल में चूल्हे पर बाजरे की खिचड़ी। ये हमने चूल्हे के अंदर आग जला ली है और ये हमने एक पतीली ली है। अब हम इसके अंदर ये बाजरा डालेंगे, ये दाल डाल देंगे और ये मूंग की दाल भी डाल देंगे हम। और अब मैं इसमें ये 2 बड़े बाउल पानी डाल दूंगी। और अब मैं इसमें नमक डालूंगी स्वाद के अनुसार और इसे हिला दूंगी और इसे ढक कर पकने दूंगी मैं। इसे पकने में 15 से 20 मिनट से ज़्यादा लग सकता है टाइम। जब तक हमारी खिचड़ी में उबाल आता है तब तक हम इन हरी मिर्चों को और लहसुन और इस अदरक के टुकड़े कर लेती हूँ मैं और इसको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। ये हमने चॉपर में चॉप कर लिया है इसको। अब हम चेक करते हैं, ये हमारे बाजरे की खिचड़ी में उबाल आ चुका है और इसे मैं पकने दूंगी। तो आइए चेक करते हैं। ये देखो हमारी खिचड़ी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको नीचे उतार लूँगी चूल्हे से और इसमें तड़का लगाऊंगी। अब मैं इसे नीचे उतार लूँगी चूल्हे से। ये एक मैंने फ्राई पैन लिया है। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालूंगी। अब मैं इसमें हींग डाल दूंगी, साथ ही जीरा डाल दूंगी इसमें मैं। अब मैं ये लहसुन हरी मिर्च और अदरक डाल दूंगी और इसे मैं भून लूंगी। और ये हमारा मसाला भूनने लगा है। ये हमारा मसाला भूनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी खिचड़ी के अंदर डाल दूंगी। बाजरे की खिचड़ी हमारी कितने अच्छे से बनकर तैयार हुई है, इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसे 1 बाउल में सर्व कर लूंगी। और ये हमारी बाजरे की खिचड़ी बनकर तैयार होगी है बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।